ओके, तो इस सेशन के अंदर हम उसी जो है प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक था, और इसके अंदर हम कवर करते हैं इंटरफेसेस को। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरफेसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इंटरफेसेस एक्चुअली हैं क्या? एन इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ये क्या है? कलेक्शन है किसकी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस। तो इस क्लास को, या आप ऐसा समझ लो कि इस इंटरफेस के अंदर आप करते क्या हो। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसका प्रैक्टिकल थोड़ा कर लेते हैं। आई हैव टू गो इन प्रोजेक्ट्स, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू सोर्स पैकेज विथ नेम ऑफ इंटरफेस डेमो। सही है, इसके अंदर एक क्लास बना देते हैं। अभी क्या बना देते हैं? जावा का क्लास बना देते हैं इसी न्यू क्लास के नाम से, राइट? अब एक काम ये करते हैं कि यहां पे आके हम इसके अंदर मेन मेथड दे देते हैं, PSVM टेब, और यहां पे आप एक इंटरफेस बना लोगे। ये मेरे पास क्लास है। अब आप क्या करते थे, एबिस्ट्रिक क्लास बनाने के लिए एबिस्ट्रिक कीवर्ड लगा देते। क्या लगा देते? एबिस्ट्रिक कीवर्ड। और आप जब भी एबिस्ट्रिक क्लास बनाते थे, उस क्लास के अंदर एबिस्ट्रिक मेथड और नॉन एबिस्ट्रिक मेथड दोनों बना सकते थे। सही है, ऐसे ही था। लेकिन अगर आप इंटरफेस बना रहे हो, तो इंटरफेस के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे आप क्लास के लिए कीवर्ड देते थे ना, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड देते थे, वैसे ही इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड देते हैं। इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का नाम होता है। जैसे मैं ए रखना चाह रहा हूं तो मैं रख सकता हूं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इंटरफेस के अंदर अब होता है क्या? सबसे पहले तो ये सुन लें, वी कैन नॉट मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ, मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। आपके पास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो हम किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे। अच्छा, यहां पे आप देखें कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के वक्त आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देते थे, राइट? है, सो वी डोंट हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एज वेल। ठीक है, तो हमारे पास किसी एबिस्ट्रेक क्लास को बनाने के लिए आप एबिस्ट्रेक कीवर्ड देते थे, लेकिन इंटरफेस बनाने के लिए एबिस्ट्रेक कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या यूज करना है? इंटरफेस कीवर्ड यूज करना है बस। अच्छा, एबिस्ट्रेक क्लासेस के अंदर हम क्या क्या बना सकते थे? एबिस्ट्रेक और नॉन एबिस्ट्रेक दोनों मेथड बना सकते थे, लेकिन इंटरफेस के अंदर वी हैव ओनली परमिशन के हम जो है एबिस्ट्रेक मेथड ही बना सकते हैं। कौन से? वी हैव परमिशन के हम सिर्फ एबिस्ट्रिक्ट मेथड्स बना सकते हैं, नॉन एबिस्ट्रिक्ट मेथड नहीं बना सकते। इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड विथ बॉडी नहीं बनता, लेकिन एबिस्ट्रिक्ट क्लास के अंदर क्या होता था? एबिस्ट्रिक्ट कीवर्ड के साथ मेथड भी बनते थे और नॉन एबिस्ट्रिक्ट मेथड भी बनते थे। सही है, लेकिन यहां पे सिर्फ कौन से मेथड बनेंगे? जो एबिस्ट्रिक्ट मेथड होंगे। लेकिन यहां पे वी डोंट हैव टू यूज एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड विद दोज मेथड्स, क्योंकि जब भी आप किसी एबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एबस्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ता था? एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड। लेकिन यहां पे इंटरफेस के अंदर आपको एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू डिफाइन। क्या बना देंगे हम? सिर्फ आप बना दोगे एक मेथड का नाम, और ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक होता है, आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। जी, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, यानी कि आप अगर पब्लिक ना भी दें तो ये पब्लिक होता है। सही है, क्योंकि इसको हमें पता है
हमें कंफर्म है कि हम इस मेथड को जब भी मकसद बॉडी देंगे हमें कहीं और कॉल करना पड़ेगा। सही है, तो कहीं और कॉल करना यानी कि आपकी इसकी एक्सेस या तो पब्लिक होगी या प्रोटेक्टेड होगी या डिफॉल्ट होगी। अच्छा मैं इसको प्राइवेट बनाता हूं, ये एरर देगा। लेकिन वहां पे प्राइवेट मेथड बनते थे, यहां पे प्राइवेट मेथड नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम मेन मेथड बना ही नहीं सकते, क्योंकि मेन मेथड की बॉडी होती है ना हमारे पास। लेकिन वहां पे ये था कि हम किसी मेथड की बॉडी दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, दोनों हमारे पास ऑप्शन थे। कहां पे? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर। लेकिन इंटरफेसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेसेस के अंदर कभी भी आप किसी मेथड को बॉडी नहीं देते। सही। और अगर आप प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट का मकसद इसकी एक्सेस यहीं तक होगी और हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, ना ही मेन मेथड बना सकते हैं, तो आपका प्राइवेट मेथड नहीं बनता। कहां पे? इंटरफेस के अंदर। क्लियर है? उसके बाद हम अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर टेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, सिंपल। सही है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जहां पे चाहे इसको कॉल करके बॉडी दे सकते हैं। अच्छा हमारे पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास क्या होता था? अगर इनहेरिट होता था तो आप क्या देते थे? एक्सटेंड्स कीवर्ड देते थे। कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड्स कीवर्ड। लेकिन इंटरफेस को अगर आप क्या करते हो? इनहेरिट करवाते हो, तो देन यू हैव टू डिफाइन इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। कौन सा क्लास? अगर मैं बी बना देता हूं और इसको इंप्लीमेंट करवाता हूं किससे? ए से, तो आपको ए से लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर अब लाजिम हो गया कि जो ए के दो मेथड है विदाउट बॉडी, उन दोनों को बॉडी देनी है। सही है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर रहा है ना, ये बता रहा है कि मैं बी जो हूं एक चाइल्ड क्लास हूं। कौन से क्लास की? सॉरी इंटरफेस की, ए की। तो ए इंटरफेस के अंदर जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं उन दोनों की बॉडी कौन देगा? क्लास बी देगा, क्योंकि इसने जिम्मेदारी ली है कि हाँ मैं उन दोनों मेथड, या ऐसा कर लो कि आप ऐसा समझ लो इस पूरे इंटरफेस की जिम्मेवारी किसकी है? अब बी की है। सही है। अच्छा यहां पे अगर आप एबस्ट्रिक बना देते हो इसको, क्या अब इसकी जिम्मेवारी नहीं है? क्योंकि वो भी आधा ये भी आधा। सही है, क्योंकि उसके पास भी एबस्ट्रिक मेथड हो सकते हैं, इसके पास भी एबस्ट्रिक मेथड हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आप अगर उसके मेथड्स की बॉडी नहीं भी देते तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि खुद एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है, क्लास जो होता है, वो खुद एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता है। सही है, जो ऑलरेडी खुद कर्जे में डूबा हुआ है वो उसका कर्जा क्या उठाएगा? सही है, सही है। तो ये वाला सीन है। अच्छा अब अगर आप नॉर्मल क्लास बनाना चाह रहे हैं तो आपको बॉडी देनी पड़ेगी, किसकी? वाइट शो। अच्छा अब अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके पास यहां पे एरर आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये वाला मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है जो आप इंटरफेस के अंदर बनाते हो। लेकिन जब भी आप इसकी बॉडी देंगे यहां पे आपको पब्लिक लिखना ही पड़ेगा। अब देखें एरर आया नहीं आया, समझ में आ रहा है कि अगर आप इंटरफेस के अंदर एक मेथड बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है। सही, तो जहां पे भी इसकी बॉडी दोगे वहां पे इसको पब्लिक देना जरूरी है। विदाउट पब्लिक कीवर्ड के आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यहां पे हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना। सही, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड अ सेकेंड मेथड बॉडी पब्लिक इंटीजर टेस्ट, और यहां पे आके आपको रिटर्न कीवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है ना इंटीजर, तो रिटर्न करवा देते हैं हम इससे जीरो। देखें दोनों मेथड्स आपके ओवरराइड भी हो रहे हैं और इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। सही हो गया। अच्छा ये थे आपके पास इंटरफेसेस। अच्छा अब इन मेथड्स को कॉल करना है तो हम कॉल भी कर सकते हैं। मैं यहां पे आके कुछ जो है सिंपल मैसेज लिख देता हूं, शो इन बी फ्रॉम ए, ए इंटरफेस। सही है, कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं, एंड आई हैव टू प्रोवाइड कि भाई ये टेस्ट है,
बी क्लास के अंदर, लेकिन ये कहां से इंप्लीमेंट हुआ है, ए इंटरफेस से। अब इसको कॉल करना है तो हम किसको कॉल करेंगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करेंगे, राइट। बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी और इसी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे, ओबीजे डॉट टेस्ट को भी कॉल कर सकते हैं और शो को भी कॉल कर सकते हैं, सही है, ओबीजे डॉट शो। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट प्लस F6। ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ एरर हैं, देख लेते हैं, नहीं कॉल हो रहा है, ये कहीं और एरर है, सही हो गया। तो अब देखें हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस के अंदर दो मेथड हैं जो हमारे पास, एक वाइड शो के नाम से और वाइड एक इंटीजर टेस्ट के नाम से। उन दोनों की इंप्लीमेंटेशन किससे करवाई, बी क्लास से, क्योंकि किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास चाहिए, क्या चाहिए, क्लास, और वो भी कौन सी क्लास, नॉर्मल क्लास, सही है। अगर आप चाहें तो एबस्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हैं, उसके अंदर बॉडी भी दे सकते हैं उनकी, इन मेथड्स की, सही है, आप चाहें तो वहां पे भी इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एबस्ट्रैक्ट मेथड का आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसको भी कहीं फिर और इनहेरिट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऐसे घूमता रहेगा, तो बेहतर है नॉर्मल क्लास यूज कर लो। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा था जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तब मैंने कहा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है सिर्फ इंटरफेसेस के अंदर, है ना। अच्छा उस पे आते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट आपकी क्लियर कर दो, कौन सी, जैसे एक एबस्ट्रैक्ट क्लास एक दूसरे एबस्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो सकता है, हो सकता है, वैसे ही एक इंटरफेस किसी एबस्ट्रैक्ट क्लास से भी इंप्लीमेंट हो सकता है, सही है। अच्छा दूसरी बात, क्या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड हो सकता है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से इंप्लीमेंट या एक्सटेंड हो सकता है, तो आपका आंसर यह होना चाहिए कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हां एक्सटेंड हो सकता है, क्या हो सकता है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड हो सकता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं बताना चाहूं कुछ ऐसा सीन है, क्लास डी बना देते हैं और क्लास डी को, सॉरी इंटरफेस डी, कौन सा इंटरफेस डी, अच्छा ये क्या इंप्लीमेंट कर सकता है किसको, ए को, तो ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि ये खुद क्या बनाता है, ये खुद आपके वो मेथड बनाता है जो एबस्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हमारे पास इंटरफेसेस के अंदर जो भी मेथड बनते हैं वो कौन से होते हैं, सारे एबस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती, तो इंटरफेसेस के अंदर अगर हमें पता है कि ये खुद कर्जा उठाने वाला है तो इससे कर्जा क्यों उतरवा रहे हैं हम, समझ में आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हां लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड कर सकते हैं, सही है। बेटे के ऊपर कर्जा है लेकिन वो बाप के कर्जे को भी इनहेरिट कर सकता है कि हां अब्बू का भी है तो वो दे दूंगा, सही है। तो जो इसके अपने मेथड है वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके मेथड भी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब इन दोनों को अगर फॉर एग्जांपल इस डी को कोई तीसरा क्लास क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, तो वो क्लास उसका पूरा पूरा हक है कि इसके मेथड्स की भी बॉडी दे और इसके मेथड्स की भी बॉडी दे। चले मैं बता देता हूं ऐसा कुछ सीन है, इसका भी एक मेथड बना देते हैं, वाइड डेमो और नीचे आते हैं, अब डी को एक्सटेंड करवाते हैं किससे, सॉरी अब कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा भाई, देखें अगर मैं क्या करता हूं, इंप्लीमेंट करवाता हूं ए को, तो ए के दो है ना मेथड, ए के मेथड कौन से हैं, शो और टेस्ट, वो तो बी दे रहा था उनकी बॉडी, देखें शो को भी दी है और टेस्ट को भी बॉडी दी है इसने, लेकिन अगर ये डी को एक्सटेंड करता है, किसको, डी को, तो डी ने एक तो अपना एक मेथड बनाया जो एबस्ट्रैक्ट, और उसने किससे मेथड लिए हैं दो, ए से, तो अब इस डी को जो भी एक्सटेंड करेगा या इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा, क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, तो उसके ऊपर लाजिम है
कि वो तीन मेथड्स की बॉडी दे, एक दो मेथड जो ए के है और दो एक मेथड जो इसका है। आ रहा समझ? फॉर एग्जाम्पल कल को पोता आता है तो पोते के ऊपर फादर का भी कर्जा है और ग्रैंडफादर का भी कर्जा है, तो ये वाला सीन है। सही है? तो पोता आएगा यहां पे, सही। चले बी ही रहने देते हैं और इसको डी के थ्रू इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब देखें एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? देखें, बी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेमो इन डी। अब ये कह रहा है कि डेमो एक मेथड है जिसकी इसने बॉडी नहीं दी, तो ये क्या करेगा? डी की भी बॉडी देगा, राइट है? तो यहां पे आते हैं डेमो पब्लिक वाइड डेमो और ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। देखें हो गया, एरर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसने तीनों ग्रैंडफादर का, फादर का और अपना सारे कर्जे उतार दिए। सही है, ये अमीर हो गया। उसके बाद यहां पे आते हैं। अब ये तो था हमारे पास कि कैसे इंटरफेसेस ये इंप्लीमेंट और एक्सटेंड होते हैं। अब मैंने कहा कि हमारे पास, हमने कॉन्सेप्ट जो है लाया था वो कौन सा, कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं क्लास बना देता हूं न्यू क्लास वन के नाम से, यहां पे आते हैं। अब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैंने तब भी कहा था कि हम इंटरफेसेस के थ्रू ही परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके अलावा हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करें? पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखें, वी हैव वन चाइल्ड क्लास और उसके मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं, ये वाला सीन था ना? सही है, सिनेरियो जो हम कर रहे थे वहां पे कि एक चाइल्ड क्लास होती थी हमारे पास और उसके तीन या उससे ज्यादा पेरेंट क्लासेस थे। सही है, ऐसे ही था। लेकिन ये किसके अंदर अलाव है? इंटरफेसेस के अंदर अलाव है, क्लासेस के अंदर अलाव नहीं है। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को बाय यूजिंग क्लासेस हम कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप यूज कर सकते हैं और परफॉर्म करवा सकते हैं। सही है? तो ये आपका अगर ए है और ए अगर इनहेरिट हो रहा है बी से भी और सी से भी और डी से भी, सॉरी जो भी आप दे दो बस कुछ क्लासेस। सही है? तो ये इनहेरिट अगर ऐसे हो रहा है तो ए क्लास आपका इससे भी इनहेरिट हो रहा है, इससे भी इनहेरिट हो रहा है और इससे भी इनहेरिट हो रहा है। सही है? और इंटरफेस हम बार बार क्लास ही कह रहे हैं, ये आपके सारे क्या है? इंटरफेसेस है। क्लियर है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर तीन इंटरफेसेस हैं, अगर तीन इंटरफेसेस हैं तो इन तीनों को मैं एक ही क्लास के थ्रू इंप्लीमेंटेशन दे सकता हूं। क्लियर है? उन तीनों इंटरफेसेस के अंदर जितने भी दो तीन तीन चार चार जितने भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उन सब को मैं एट अ टाइम एक ही क्लास से इंप्लीमेंटेशन दे सकता हूं। कैसे देंगे? यहां पर आ जाते हैं। इंटरफेस एक बना देते हैं एक्स, एक बना देते हैं वाई, एक बना देते हैं जेड। सही है? अब मैं क्या करता हूं, क्लास वन के थ्रू इन तीनों को इनहेरिट करवाता हूं एट अ टाइम। ये क्लासेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। सही है कि आप एक ही क्लास के थ्रू तीन चार क्लासेस एक्सटेंड करें, आपके ऐसे तीन चार क्लासेस एक ही क्लास के थ्रू एक्सटेंड नहीं हो सकते, लेकिन इंटरफेसेस हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं। कैसे? मैं यहां पे आता हूं। देखें, अब इसको मैं इंप्लीमेंट करवाता हूं क्योंकि हम यहां पे इंप्लीमेंट कीवर्ड लगाएंगे। ये किस किस को इंप्लीमेंट करेगा? इसको भी, वाई को भी और जेड को भी। आ रहा समझ कि हम यहां पे तीन इंटरफेसेस को कॉमा देके इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। एक का नाम कॉमा देके, दूसरे का नाम कॉमा देके, तीसरे का नाम। जो मेरे तीनों इंटरफेसेस है ना यहां पे, इन तीनों इंटरफेसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल वाइड एक्स वाई, वाइड एक्स जेड एक मेथड है और वाइड एक्स जेड एक्स, सही है, ये मेरे पास मेथड है। तो अब इन तीनों इंटरफेसेस के जो भी मेथड है
इन सबको कौन जो है बॉडी देगा? न्यू क्लास फन। आ रहा है समझ? तो यहां पे आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास इन तीनों इंटरफेसेस को एट अ टाइम इंप्लीमेंटेशन देने वाला एक क्लास है, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होता है और उसके मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होते हैं। सही है? तो हमारे पास ये जो मल्टीपल पेरेंट है, इन सब के जो भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उनको बॉडी देने वाला ये क्लास है, और आप इंप्लीमेंट्स ही करवाते हो और ऐसे इंप्लीमेंटेशन देते हो कॉमा देके फिर दूसरे इंटरफेस का नाम। सही है? और आपको क्या करना है, बस यहां पे आके उनकी बॉडी दे देनी है। क्लियर? तो ये थे आपके पास ओवरऑल इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट और सारी जो भी चीजें थी जो हमने परफॉर्म कर ली। ठीक है?